दोस्तों, आज हम एक बार फिर एक नए औषधि पौधे के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप ये देख पा रहे हैं, छोटा सा पौधा जिसकी हरी पत्तियां हैं और ये सफ़ेद फूल दिख रहे हैं आपको। इस पौधे का नाम दोस्तों करुणाय है। करुणाय ये बहुत ही कड़वा पौधा है दोस्तों। इसका पंचांग का आप सेवन करेंगे तो कई बीमारियों से आपको निजात मिलेगा। ये नीम से भी कड़वा होता है दोस्तों, करुणाय है। कुछ लोगों ने बताया है कि ये सर्प के विष के लिए रामबाण होता है। सर्प काट दे तो इसको काली मिर्च के साथ पीस के पिलाने से सर्प का विष उतर जाता है। पर जहाँ तक मैं उपयोग करता हूँ इसका, तो बुखार फीवर के लिए इसका काढ़ा सेवन करता हूँ दोस्तों। ये बुखार के लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका काढ़ा काली मिर्च के साथ सेवन करने से बुखार ठीक हो जाता है। ये रक्त को भी शुद्ध करता है। बहुत ही कड़वा है दोस्तों, नीम से भी कड़वा होता है। इसको करुणाय बोलते हैं। ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है इसलिए पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हुए पहाड़ी एरिया में हैं। और यदि पानी की व्यवस्था होती है तो ये एक फुट तक के बड़े हो जाते हैं। और ये सफ़ेद चारों तरफ से फूलता है, तने में इसके फूल लगते हैं। आपको मैं और दिखा दे, छोटे छोटे ये देख रहे हैं, ये जूम करके दिखा रहा हूँ ये आप इसके फूल। क्योंकि इनको मवेशी भी चर जाते हैं, गाय चर जाती है, इसलिए पौधे ये छोटे छोटे हैं। पर ये देखिए एक बड़ा पौधा ये बच गया है। ये फूल सफ़ेद होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये फिर ये चरा हुआ है पेड़, क्योंकि यहाँ ढोर इसको चर जाते हैं। तो ये पेड़ आपको ज़मीन से कटे हुए, ये करुणाय। पर ये पौधा एक फुट तक की ऊंचाई तक जाता है, सीधा ऐसे ही जाता है और फूल लगते जाते हैं तने में, और पत्तियां भी सीधी चली जाती हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको और ऐसी नई नई औषधियों के बारे में परिचय दें। धन्यवाद।